तो विकसित भारत एट द रेट 2047 आइडियाज पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। पीएम मोदी ने शुभारंभ किया राजभवन में। कार्यक्रम का वर्चुअली प्रसारण विकसित है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो कालखंड था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। विकसित भारत कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज लॉन्च हुआ है और एट द रेट 2047 इसका नाम रखा गया है और मोदी ने कार्यक्रम में संबोधन भी शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि विकसित भारत 2047 कार्यक्रम के दौरान मोदी देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं और में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुख और संकल्प सदस्यों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएमओ ने भी ये कहा था कि मोदी का दृष्टिकोण देश के लिए राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण और प्राथमिकताओं का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं जहां विकसित भारत एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक को भी तस्वीर जारी की गई थी और एक बयान के अनुसार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजभवन में जुड़कर वर्चुअली जुड़कर यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं।